नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। मणिपुर में अब उग्रवाद के युग का अंत होने वाला है। मणिपुर में सबसे बड़े उग्रवादी संगठन ने हथियार डालकर सरकार के साथ शांति समझौता किया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। गृह मंत्री ने बताया है कि मणिपुर में सक्रिय और सबसे पुराने उग्रवादी गुट यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ने हथियार डालने का फैसला किया है। संगठन ने बुधवार को सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और हिंसा छोड़ने पर सहमत व्यक्त की है। यह समझौता पूरे पूर्वोत्तर विशेषकर मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत को बढ़ावा देने वाला है। UNLF मणिपुर में इम्फाल घाटी स्थित सबसे पुराना सशस्त्र समूह है। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह फैसला ऐतिहासिक है। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने पूर्ति का एक नया अध्याय जोड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ने आज नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह UNLF हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। शाह ने आगे लिखा है कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा UNLF के साथ शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है।